मकसूद चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, सब खैरियत? बस खैरियत। आइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, ये लीजिए। बताइए चाचा, कैसे आना हुआ? तुम्हारी फिक्र खिंचलाती है इधर, और क्या? इसका मतलब शादी के लिए एक और रिश्ता लेकर आए? लड़का अमीर घर से है, अमीनाबाद में कपड़ों की दुकान है, और परिवार में लड़के के अम्मी है बस। तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? देख, लड़के का तलाक हुआ, लड़का बुरा नहीं है, अच्छे से रहेगी घर में, और उनको जारा बिटिया से भी कोई परेशानी नहीं है। कब तक अकेली करती रहेगी तू? बिटिया को भी पढ़ाना है ना, खर्चा कैसे उठाएगी? ये सब इतना आसान नहीं है, मेरी बात मान। देख, इतना मत सोच, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं इसी हफ्ते उन लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? देखिए तूने। अरे अम्मी, मुझे नहीं जाना कोई रिश्ता विश्ता देखने। अरे, ये कोई उम्र है निकाह करने की? अरे भाई, अब चल के देख तो लो ना। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि अभी आप तुरंत शादी कर लो। अगर आपको सब सही लगे तो ही हम आगे बात बढ़ाएंगे ना। ठीक तो कह रही है जरीना। हा? और फिर ये उम्र लेके क्या बैठ गए तुम? हा? इस उम्र में कोई निकाह नहीं करता क्या? चलो चलो। अम्मी सामान रशीद ने रख दिया। चलो आ जाओ। भाई, मसले कहाँ नहीं होते। अब इसी का देख लीजिए, नई नई शादी हुई थी, सब अच्छा था, फिर अचानक एक दिन बीवी आके बोली तलाक चाहिए। अरे छोड़िए पुराने किस्से, यहाँ नए रिश्ते जुड़ रहे। नए रिश्ते तो तब जुड़ेंगे जब ये हामी भरेंगे। अरे तो उनसे भी पूछ लेते। बोलो रहमान बेटा। अम्मी, ये मेरी बेटी जारा। जारा बिटिया, आज जल्दी छुट्टी हो गई? कहाँ जल्दी, रोज इसी टाइम पे तो आती हूँ। हाँ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे। जी मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से सोच के बताना, पर वैसे भी ऐसे डिसीजन सोच समझ कर ही लेने पड़ते हैं। क्या भाई, कितनी अच्छी तो थी भाभी जान, आपको ना हाँ बोल देना चाहिए। अरे तुम्हारा बस चले ना तो आज ही शादी करा दो मेरी। हाँ सही तो है, पर मेरा बस चलता कहाँ है यहाँ पे। पर लड़की अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अरे अम्मी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, यही पे रोक दीजिए। अरे यहाँ क्यों उतर रही हो, हमारा घर तो दूरी पर है। मुझे पता है, लेकिन मुझे रास्ते से कुछ सामान खरीदना है। हेलो। क्या भाई, क्या डिसाइड किया आपने? कुछ बताओ केपी। ठीक है। ठीक है मतलब हाँ है ना? हाँ। देखिए,
मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है, एक पलट के जवाब देना और दूसरा इधर उधर बैठकर पंचायती करना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर मुझसे ही कहिएगा। जारा नहीं है आपके साथ? जारा अब अपनी नानी के यहाँ ही रहेगी, वहां उसके दोस्त भी है और उसका कॉलेज भी वही है, तो वो अब वही रहेगी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम जारा को यहीं बुला लें, मेरी एक सीनियर कॉलेज में जान पहचान है, आसानी से एडमिशन भी हो जाएगा और यहाँ आपके सामने भी रहेगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मानती नहीं है। आप एक बार उसे बात करके देखिए, समझाइए उसे, यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं है, और रही बात दोस्तों की तो वो यहाँ पर भी बन जाएंगे। जी वो तो है। ठीक ही तो कह रहा है दुल्हन। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। बेटा यहाँ भी सब कुछ अच्छा है, बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और तुम्हारे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर किसी अच्छे कॉलेज में कर देंगे, उनकी यहाँ पर बहुत पहचान है। लेकिन अम्मी, देखो जिद मत करो, मेरा आधा मन तो सिर्फ तुम्हारी टेंशन में लगा रहता है, मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। अम्मी अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, जो तेरे लिए बढ़िया है वही कर रही हूँ। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी तो तेरी पढ़ाई भी तो अच्छी होगी, और दोस्तों का क्या है, वो तो यहाँ भी बन जाएंगे, और अगर नहीं बने तो तेरे पास फोन तो है, कभी बात कर लिया कर, या महीने में एक आध बार मिलने जाया कर। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तेरे अबू को कल भेज रही हूँ, सामान पैक करके रखना, ठीक है? मैंने कॉलेज में बात कर ली है, कल चलकर एडमिशन करा दूंगा, काफी अच्छा कॉलेज है। ये लीजिए। अरे लाओ लाओ लाओ, बनाया मैंने है तो सब भी मैं ही करूंगा। अरे आप रहने दीजिए, नूरी कर लेगी। ये इसकी पुरानी आदत है, जबरदस्ती सबसे पहले पूछेगा कैसा लगा। अब ऐसे में बुरा भी लगा हो तो भी बोलना पड़ेगा कि अच्छा लगा। अरे मुझे क्या देख रहे हो, फौरन शुरू करो और बताओ कि कैसा बना है। वाह अबू, ये तो बहुत टेस्टी है। अब इतना भी अच्छा नहीं बना, नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, ये इसकी हमेशा की आदत है, नमक ज्यादा ही पड़ जाता है। अरे अम्मी आपको मेरा बनाया हुआ कभी पसंद ही नहीं आता, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हो, मुझे इसलिए आपसे कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए। मुझे नमक ठीक लगा, अच्छा बना है। देखिए अम्मी इन्हें भी पसंद आ गया, शुक्रिया शुक्रिया। जारा ये मोबाइल फोन कब लिया, काफी पुराना लग रहा है। बहुत टाइम हो गया अब्बू। और कैमरा वगैरह इसका कैसा है? मत पूछिए अब्बू, इससे अच्छा तो इसके कम रेट वाले फोन होते हैं, और इसकी रैम भी इतनी कम है कि पूरा टाइम हैंग करता रहता है। लेकिन बात तो हो रही है ना, बस और क्या चाहिए। अरे अम्मी से बात करने के लिए थोड़ी, और भी चीजें होती है फोन में यूज करने के लिए। हाँ आई एग्री। अच्छा सुनो, जरीना से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्यों? वो कुछ पैसों का बोल रही थी, जरूरत है उसे, तुम बात कर लेना, शायद वो मांगने के लिए जरा सी हिचकिचा रही है। ठीक है मैं बात कर लूंगा उनसे। तुझे तेरे नए अब्बू कैसे लगे?
कूल, अच्छे हैं। अच्छे हैं ना, तो फिर उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। तुझे किसी भी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे आके कहना, उनके पास नहीं जाना। मुझे पता है उन्होंने कहा होगा तुझसे कि किसी भी चीज की जरूरत है तो मेरे पास आना। अम्मी, अभी आप कमा थोड़ी रहे हो, तो जरूरत तो वही पूरी करेंगे, तो उन्हीं के पास जाऊंगे ना। सारा, सारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। अबू दो मिनट। सरप्राइज, अभी ये क्या लेकर आई? न्यू आईफोन, अबू ने दिलाया। अरे तुम्हें कहा था ना मैंने, अपनी फरमाइशों से अबू को तंग मत करना। पुराने फोन से काम चल रहा था ना, लेकिन तू नहीं मानेगी। आप भी ना अम्मी, छोड़ो। ठीक है, वैसे भी वो फोन पुराना हो गया था, अब नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है इसका। बड़े बड़े घर के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, अब वो सादा सा फोन ले जाने में शर्म आती इसे, इसलिए दिला दिया। थैंक यू अबू। वेलकम डियर। आप भी ना, अब देख लेना, इसकी फरमाइशों की लिस्ट है ना, बढ़ती जाएगी। अब जरूरत की चीज ही तो दिलाई है। अम्मी ये देखो। अरे ये क्या है, वापस तो शॉपिंग करके आई। अबू ने दिलाया। अरे क्या है ये? अच्छा है, बहुत मस्त है ये तो। Here you go. Surprise. ये तूने मंगाई अबू से? अरे नहीं नहीं, इसने नहीं मंगाई। अरे मैंने सोचा मैं ही इसे गिफ्ट कर देता हूँ। आप ना इसे बिगाड़ रहे हो। अम्मी मैं पहले से ही बिगड़ा लूँ। अच्छा। कैसा लग रहा है नेकलेस? बहुत अच्छा। अम्मी का है, उन्होंने कहा कि अभी से तुम रख लो। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना बाहर घूम के आते हैं, वैसे भी जारा की क्लासेस बंद हैं। चलते हैं ना। वैसे कहाँ ले जाने का इरादा है? शिमला कैसा रहेगा? बहुत अच्छी जगह है, और जारा का भी हमेशा से मन था शिमला जाने का। तो सही है, वो भी खुश हो जाएगी। थैंक यू। अरे जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचने में भी देर लगती है। अम्मी मैं चाहती थी आप भी हमारे साथ आओ। तुम बच्चे जाओ मजे करो, अगली बार मैं भी चलूंगी। ठीक। और यहाँ की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल। अपना ख्याल रखना और दवाई वक्त पे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी जगह है, आओ चलते हैं अंदर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हमें एक रूम चाहिए था। एक नहीं दो, आप भूल गए, जारा भी साथ में है। जी
हमें दो रूम दे दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, आप अपना आईडी दे दीजिए। जी बाहर अच्छा है ना? थैंक यू सो मच अब्बू। पता है मुझे इतनी खूबसूरत जगह लाने के लिए, आपको पता है मेरा कितना मन था यहाँ आने का। मेरे सारे दोस्त आके जा चुके, बस मैं ही बाकी थी। फोटो वगैरह भेजी है कि नहीं अपने दोस्तों को? अच्छी अच्छी फोटोज भेजती रहना अपने दोस्तों को जलाने के लिए। वो तो मैंने एयरपोर्ट से स्टार्ट कर दिए थे। हमें ना अम्मी को भी लेकर आना चाहिए था ना हमारे साथ। उनको पूछा था मैंने, पर उन्होंने ही मना कर दिया था। वैसे भी उनको घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो कॉलेज में कुछ नए दोस्त बनाए हैं कि पुरानों से ही काम चलाया जा रहा है? बने तो है पर कुछ पक्के वाले नहीं है। हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये पावर को क्या हुआ है? सॉरी सर, मौसम खराब होने की वजह से पावर कट हो गया है। हमारा जनरेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर कि आप अगर दो रूम की जगह एक रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। अरे ऐसे कैसे, हम एक रूम में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे लगता है आप सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी तो अगर एक रूम में आप एडजस्ट कर ले तो कोई दिक्कत? पर ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। चलो अम्मी। आप बेड पे सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। अरे तुम क्यों सोफे पे सोओगी? मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम अम्मी के साथ सो जाना। अरे आप क्यों परेशान होते हो, ज़ारा सो जाएगी सोफे पे। हाँ अब्बू, आप आराम से बेड पे सो, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। ओके ठीक है। अम्मी मैं चेंज करने जा रही हूँ। हाँ जाओ। चलो कल रात के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर प्लीज किसी को बताना मत। सॉरी से काम नहीं चलेगा, उस हरकत की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दिलाऊंगा, पर प्लीज किसी को बताना मत। पहले तो मुझे एक अच्छा वाला फोन चाहिए, नया मॉडल आया मैं बता दूंगी कौन सा। ठीक है डन, पर प्लीज किसी को मत बोलना। चले घूमने, वैसे भी आज आखिरी दिन है और बहुत सारी जगह देखनी बाकी है। चलो चलो जल्दी आओ। ज़ारा ये रहा तुम्हारा मोबाइल। वाओ ग्रेट, थैंक यू। नया मोबाइल? अरे अभी तो आपने दिलाया था। अरे नया मॉडल आया था, सोचा खरीद लेता हूँ। आप ना इसे बहुत सर चढ़ा रहे, ये सब ठीक नहीं है, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं। अरे ये सब चीजें भी बदलती रहनी चाहिए, हमेशा कोई एक ही मोबाइल कब तक इस्तेमाल कर सकता है, एंड में जाकर सब कुछ पुराना ही हो जाता है। अम्मी ये काफी अच्छा है, तू चुप कर। अरे गुस्सा मत हुए, ये ऐसी कोई महंगी चीज लाके नहीं दी है इसे। ज़ारा क्या हुआ, कैसा चल रहा है नया मोबाइल? अच्छा है। मुझे ना एक नया लैपटॉप चाहिए, आपको फोटो भेजिए चेक करो ना। क्या 2 लाख का लैपटॉप? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तो आपका खराब हो गया, और मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। मुझे वो लैपटॉप कल ही चाहिए, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं मैं क्या कर सकती हूँ। आप क्यों उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं, बिगड़ जाएगी वो।
देखा नहीं आपने, पूरा दिन मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है। अब लैपटॉप मिला है, अब उसमें लगी पड़ी रहेगी। अरे उसने नहीं मांगा, मैंने खुद लाकर दिया है उसे। जरूरत लगती रहती है, कॉलेज में पढ़ती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं जानती हूँ उसे, जरूर उसी ने मांगा होगा। देखिए अगर आप ऐसी उसे चीजें दिलाते रहेंगे तो वो मांगती रहेगी। अब आगे से प्लीज आप उसे कुछ मत दिलाइएगा। ठीक है। नहीं यार, मेरे घर पे नहीं, हमेशा कोई ना कोई रहता है। हम कहीं बाहर मिले? एक काम करते ना, होटल में मिलते हैं। शट अप। किससे बात कर रही हो? दोस्त से। दोस्त या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। तो अब बॉयफ्रेंड भी बन गए तुम्हारे, शादी करानी पड़ेगी तुम्हारी। आप अपनी शादी पे फोकस करिए। वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 20,000। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, कब तक देंगे वो बताइए। देखो जारा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी करने से मना कर दिया है। तो फिर मैं अम्मी को बता दूं कि उस रात आपकी डिमांड कहां तक पहुंच गई थी? देखो मैं करता हूं, मैं करता हूं, ठीक है। बेटा अब हम निकलते हैं, तू वक्त पे खाना खा लेना, ज्यादा मोबाइल में मत घुसी रहना, ठीक है? ठीक। अपना ख्याल रखना, हम लोग रात तक आ जाएंगे। ठीक है अम्मा। हाँ ख्याल रखना अपना, चल चल। बाय बाय। वाओ कितना आलीशान घर है तुम्हारा। तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम प्यार करते एक दूसरे से। अच्छा तो अब सही गलत भी तुम सिखाने लगे मुझे? देखिए अगर आपने अम्मी को बोला ना तो मैं भी अम्मी को बोल दूंगी। तुम मेरी बात बताओ और फिर मैं तुम्हारी बात बताता हूँ। अच्छा ठीक है सॉरी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप अम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे। ओके इसको बोलो फौरन यहाँ से निकले। और दोबारा ये हरकत ना हो, एक डील हमारी भी होगी। अब तुम उस रात की बात किसी को नहीं बताओगी और ना मैं ये आज के दिन की बात किसी को बताऊंगा, तो प्रॉमिस करो।